हाय गाइस, मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अभी क्या है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी करेक्शन करना था हम लोगों ने, जैसे कि आपका कैटेगरी हो गया, जेंडर हो गया, या PWD हो गया, या आपका 12th का जो भी मार्क्स प्रॉब्लम थे, तो इन सभी चीज़ों को आप कैसे करेक्शन करोगे, ये सब यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। मैं बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से देखो। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो अगर सही से देखा होगा कि कैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर्ड कैसे करते हैं अभी NCHM काउंसलिंग में, तो उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, और स्क्रीन के ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है एक छोटा सा क्लिप, इसमें आप सीधा ध्यान से देख लो। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि जेंडर कैसे चेंज करना है, कैटेगरी में क्या क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, जो EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से जो भी EWS वाले कैंडिडेट हैं, वो अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं EWS सर्टिफिकेट। अगर आप अभी आपका नहीं बना है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम तक 10 से 15 दिन में अगर आपका आ जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना EWS सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो आराम से, कोई भी इशू नहीं होगा। मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, कहाँ क्या होगा, तो आप लोग वो वीडियो देख करके कर सकते हो बाकी सारा प्रोसेस। तो अभी आपके पास टाइम है, आप कर लो, अपना जेंडर चेंज कर सकते हो अगर गलत है तो, या आपका अगर कैटेगरी गलत हो चुका है आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी आपका जो भी परसेंटेज है वो भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। और जो भी अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी 12th में किसी भी रीजन से अगर उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो अपीयरिंग भरेंगे यहाँ पर। जहाँ आप देख लो 12th में जो फर्स्ट वाला एक बॉक्स है, वहाँ पर आपको, आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास दो तीन ऑप्शन आ जाएगा, पास्ट का आएगा या अपीयरिंग आएगा, तो आपने अपीयरिंग पे क्लिक करना है, जो भी अभी जिन लोगों का रिजल्ट क्लियर नहीं है उनके लिए, और जो पास है तो वहाँ पे पास पे क्लिक करेंगे। गाइस, इसी तरह से आप लोग अपना काउंसलिंग जो है काउंसलिंग में एडिट कर सकते हो, जो भी करेक्शन आपको करना है वो कर सकते हो। यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी NCHM काउंसलिंग 2019 से रिलेटेड हर एक स्टेप पर वीडियोज़ आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गाइज, अगर आप देना चाहते हो कोई सुझाव या आपके मन में हो कोई सवाल, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।